नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी की चोरी होने पर गुस्से में दिखी बसपा सुप्रीमो मायावती। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बहुजन समाज के व्यक्ति की लाश को नहीं जलने दिया, उस पर अधजली लाश पर पानी फेंक दिया, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बात कर की। सबसे पहले बात करेंगे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर भारत में अमृत महोत्सव मना जा रहा है आज़ादी का। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज के लोगों को आज़ादी से मरने भी नहीं दिया जा रहा है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि बहुजन समाज के व्यक्ति की सब को जलने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि लाश को जलती हुई लाश पर पानी फेंक कर उसे अधजला बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस खबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। तुरंत आपको बता दें कि इस घटना के मौके पर भीम आर्मी की टीम पहुंची और आपको बता दें कि उस अधजली लाश को लेकर धरने पर बैठ चुकी है पूरी भीम आर्मी की टीम। आपको बता दें कि लगातार वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से भीम आर्मी के नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि हाल ही में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद आपको बता दें कि जिसका शव था उसकी माता से बात की और आपको बता दें कि जो है जो आरोपी हैं जिन्होंने इस तरीका का आपको बता दें कि निंदनीय कृत्य किया है, उन्हें पर आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई करने का आपको बता दें कि आश्वासन पीड़ित परिवार को दिलाया है कि भीम आर्मी इस पर गंभीरता से कार्रवाई कराएगी। और आपको बता दें कि लगातार भीम आर्मी धरने प्रदर्शन पर बैठ चुकी है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अन्यायपूर्ण आपको बता दें कि व्यवहार वहां के दबंग लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर मायावती के शासन में बना अंबेडकर पार्क से कल आपको बता दें कि एक हाथी की चोरी हो चुकी थी। इसको लेकर मायावती ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखी बसपा सुप्रीमो मायावती। ने लिखा कि देश में उपेक्षित, तिरस्कृत, दलित व अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में यूपी में बीएसपी की सरकार द्वारा निर्मित भव्य डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल क्षेत्र, जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वहां लगी हाथी का चोरी होना शर्म व चिंता की बात है। पहले समाजवादी पार्टी व अब भाजपा सरकार में भी बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य स्थलों स्मारकों को संरक्षण, सुरक्षा व रख रखाव में की जा रही उपेक्षा अति चिंता की बात है, जबकि वे पर्यटक आय के स्रोत हैं। मान्य श्री कांसी राम जी स्मारक स्थल व अन्यत्र हो रहे कार्य भी काफ़ी ढीले चल रहे हैं, सरकार ध्यान दे। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि इस तरह से हाथी की चोरी हो जाना अंबेडकर पार्क से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है, चिंता का विषय है कि तमाम आपको बता दें कि सुरक्षा के मौजूद होते हुए भी वहां से हाथी की चोरी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने नज़दीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस लगातार जांच में जुट चुकी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी ऐसा हुआ था और आपको बता दें कि ये फिर से हो चुका है। वहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी निगरानी में होते हुए भी उस हाथी की आपको बता दें कि अम्बेडकर पार्क से मूर्ति चोरी हो गई। इस पर आपकी क्या राय है, साथ ही छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, इन दोनों बातों पर आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम देशभर की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।